पूरा छत्तु बना दिया, कभी ग्रीस करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, के रोलर के ऊपर की मारेंगे ना, ये देखो ये लोहे को भी काट देता है, ये तो जो घास होता है बहुत, तो बहुत नरम होता है। ये देखिए बिल्कुल बारीक से एक बार में पीस लिया दोस्तों। नमस्कार किसान वीरों, आपका मेरे YouTube चैनल किसान मित्रों में स्वागत है। आज मैं पंजाब आया हूँ और पंजाब में उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे अपने किसानों के लिए चारा काटने वाली मशीनें बनाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे तकरीबन इनके पास 25 तरह की मशीनें हैं जो चारा काटने वाली हैं और जो किसानों के लिए अच्छी मशीनें बनाते हैं। और तकरीबन 25 तरह की मशीनों में से कुछ मॉडल इनके ऐसे हैं जो छोटे किसानों के लिए लाभदायक है क्योंकि वो उनके बजट में भी आएंगे। और जैसे इन्होंने बताया मेरे को कि वो मशीनें हैं जो बड़ी से भी काम ज़्यादा करती हैं, और वो मैं अभी है ना आपके सामने, क्योंकि इनकी बातों पर मैंने विश्वास नहीं किया, मैं खुद आज आपको ना मशीनें चला के दिखाऊँगा, लाइव डेमो करके दिखाएँगे ताकि पता चले। क्योंकि किसानों की जो हमेशा समस्या रहती है वो रहती है पुआल की, जो क्योंकि हरा चारा तो सारी मशीनें कर देती हैं, हरे चारे की कोई समस्या नहीं होती है, जो पुआल होता है वो मशीनें नहीं काट पाती हैं। और जो पुआल है आज हम, मैंने इनसे पुआल भी मंगवाया है, यहाँ पे पुआल भी है और काट के भी मैं ही दिखाऊंगा जो पुआल है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई आदमी लगेगा, मैं खुद ही ये चला के दिखाऊंगा आप मशीन। और दोस्तों अगर इसने आज पुआल काट दिया अच्छा, तो मैं है ना आपको सजेस्ट करूँगा मशीन लेने के लिए, क्योंकि मैं देखूँगा कैसा चलती है ताकि बाद में किसानों को कि गजब का मशीन है, कितना है देख पा रहे हैं, बाप रे, और एक आदमी के इसमें काम हो पाएगा। देख तो पा रहे हैं पुआल एकदम पूरा खत्म कर दे रहा है, इतना जल्दी देख पा रहे हैं। गजब का स्पीड है दोस्तों, लाइव डेमो में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा एक ही बार में खत्म हो गया दोस्तों। गजब का मशीन है, मानना पड़ेगा, गजब का मशीन है दोस्तों, मानना पड़ेगा, तुरंत खत्म कर दिया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इतना बढ़िया से काट लिया मशीन, आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम पूरा छत्तु बना दिया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितना बारीक से कट दिया है दोस्तों, ये देखिए गजब 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 का मशीन है। ये कैसा काम करते हैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, डेमो लाइव दोस्तों। चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं। एक आदमी यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चारा का, तो एक बार में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से काट लिया है, गजब का काटा। मशीन तो सर देखने में छोटा लग रहा है लेकिन गजब का मशीन है दोस्तों, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही पसंद आया। मशीन का
मतलब जो परफॉर्मेंस रहा A1 रहा दोस्तों। तो ये तो रहा हरा चारा और पुआल का, इसमें तो आप लोग देख ही लिया कितना फास्ट काम किया। हमको लग रहा एक ट्रक अगर हरा चारा और पुआल होगा तो एक ही घंटा में ख़त्म कर देगा। तो अभी दोस्तों बात करेंगे कि चक्की कैसा काम करते हैं, इसका भी थोड़ा डेमो लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और चक्की किस तरह से काम करता है, क्या क्या पिसता है थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मशीन स्टार्ट करिए सर। तो दोस्तों अभी करते हैं गेहूं की पिसाई, जो कि खाने वाले रोटी के लिए हम लोग, और देखते हैं कैसा अभी पिसते हैं इसमें। तो ये रहा गेहूं और अभी जा रहा हॉपर में। अब लाइव डेमो देखते हैं दोस्तों कैसे ये काम करेगा। कैमरामैन थोड़ा सामने करिए, ये देखिए गेहूं, ठीक है। अभी इसकी करते हैं पिसाई, चलिए मशीन स्टार्ट करिए। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ जो ऊपर में है नीचे में, इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। अभी अंदर जा रहा है गेहूँ और देखिए अभी पिसाई करेगा किस तरीके से, लाइव आपके सामने है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डेमो करने के बाद, देखिए खाने वाला आटा रेडी हो गया है, ठीक है। अब ये रोटी बनने के लिए रेडी हो गया है दोस्तों। तो चलिए अभी इसका हल्दी के पिसाई करके देखते हैं लाइव डेमो के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जाली हर एक किस्म का लगेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक, ठीक है ना दोस्तों। तो आप जैसा बारीक करना चाहेंगे उस तरीके के जो है जाली आपको लगाना है। और बहुत बढ़िया से पिसाई कर रहा है जैसे आप लोग देख पाए लाइव डेमो में आप लोगों को दिखाया। और अभी दोस्तों हल्दी का पिसाई करके देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो हल्दी के पिसाई के लिए दोस्तों हम लोग 2 नंबर जाली लगाएंगे और चलिए हल्दी का डेमो देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हल्दी और अभी इसका डेमो करते हैं किस तरीके से पिसेगा। तो चलिए देखिए अब ये हल्दी रहा। ये देखिए दोस्तों हल्दी की पिसाई हो रहा है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं ये हल्दी भी पीस लेता है और जितना भी मसाला होगा हर एक किस्म का मसाला आपको पीस लेगा। सिर्फ आपको जाली चेंज करना है और पीसना है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का मशीन है। इतनी आसानी से हल्दी की पिसाई हो जा रही है इस मशीन से। एक मशीन और बहुत सारा काम दोस्तों, घर बैठे आप बिजनेस भी कर सकते हैं इस मशीन से। ये देखिए जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका आउटपुट। ये देखिए बिल्कुल बारीक से एक बार में पीस लिया दोस्तों, अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मशीन लगा मेरे को। ये देखिए हल्दी भी पीस लिया। तो किसान भाइयों आप लोगों ने डेमो तो देख ही लिया किस तरीके से काम किया। अभी बात करते हैं इसका क्या खासियत है, क्या रेट वगैरह, क्या प्राइस रखा है, आइए कंपनी से थोड़ा बात कर लेते हैं। भाई साहब जो जी आप जो चक्की देख रहे हैं ना,
ये आपने अभी चला के देखा है, इससे आप खाने वाला आटा बना सकते हो जी सर, जानवरों के लिए दलिया बना सकते हो जी सर, और हल्दी मिर्च मसाले जो भी है, क्योंकि ये जो चक्की है ये स्टील का है, फूड ग्रेड चक्की है, इसमें कोई ऐसा नहीं है लोहे का, नहीं जंग लगने का कुछ नहीं है जी सर। और इसमें हम आपको 6 तरह की सेटिंग देंगे, ओके। एक नंबर से लेके 6 नंबर तक की जाली होती है, इससे आप छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो, ओके सर। इसकी खासियत ये है कि आप एक ही मोटर जैसे लगी हुई है, इससे दोनों काम हो जाते हैं आपके, ओके। चक्की भी चल जाएगी और साथ में मशीन भी चल जाएगी, अलग से मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर। और अभी मशीन की बात करते हैं सर, देखो मशीन में हमने आपको पहले दिखाया था ना, जो मशीन के रोलर वगैरह है जी। पहले इसकी ये जैसे जिसका चारे का साइज आप छोटा भी कर सकते हो, 3 तरह का चारा इससे ले सकते हो, गियर लगा हुआ है, आधा इंची का ले सकते हो, 1 इंच का और 2 इंच का भी, जिसको मशरूम के लिए लेना है वो भी ले सकते हैं सर, ओके। और मशीन के नीचे टायर लगे हुए हैं, मशीन को इधर उधर लजाने के लिए आसानी रहती है, और मोटर टाइट मोटर की जो बेल्ट है वो टाइट करने के लिए इसके एडजस्टमेंट दी हुई है, वो भी टाइट हो जाती है, और है ना इसमें साथ में ग्राइंडिंग व्हील दिया हुआ है मशीन में। ग्राइंडिंग व्हील का ऐसा है कि आपने किसी चीज़ की धार लगानी है, ब्लेड की धार लगानी है या अन्य किसी चीज़ की धार लगानी है, वो भी इससे लगा सकते हो। और है ना मशीन की जो हमने इसमें गरारी वगैरह है, जो इसमें गरारी लगी हुई है वो सारी स्टील की है, ओके सर, ना तो वो घिसने वाला है और ना ही टूटने वाला है जी। और इसकी और खासियत बताता हूँ सर, जैसे इसकी ब्लेडे हैं, ये 4 ब्लेड लगती हैं मशीन में, ओके। और दोनों तरफ से जैसे आप देख रहे हैं उसकी धार लगी हुई है, इस तरफ की धार आपकी खत्म हो जाती है तो दूसरा तरफ लगा सकते हो जी सर। और जो नीचे वाला हम ब्लेड देते हैं वो स्टील का है सर, ओके। और जो नीचे वाला बेस ब्लेड है वो जैसे आपने लकड़ी भी काटोगे ना तो इसकी धार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उसी तरह रहते हैं। अभी जैसे आपने देखा है कि पुआल काटा है, इतनी जल्दी इसकी धार खराब नहीं होती है, और जो मशीन के रोलर वगैरह हैं वो भी हमारे अंदर तैयार होते हैं, ये इसके पाइप के नहीं है, और जो ये प्लेटें वगैरह है बैरिंग वाली वो भी अच्छी हैं, और जो इसमें बैरिंग है वो बिना ग्रीस वाले लगाते हैं, इसको ग्रीस करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोरिया के बैरिंग लगाते हैं जी, जी। और सर बोलिए सर, आपने तो इसका बहुत सारा खासियत बता ही दिया, अभी इसका कीमत क्या है और गारंटी वारंटी की अगर बात करें तो सर वो थोड़ा बता दीजिए सर। इसकी गारंटी हम ऐसा नहीं है कि एक चीज़ की गारंटी है, ये सारी मशीन की, अगर सारी मशीन की 1 साल की गारंटी है जी। मानो इसका बाद में कई बार ऐसे होता है कि जो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको ये चीज़ का गारंटी नहीं था, ये सारी मशीन की 1 साल की गारंटी, अगर ब्लेड भी घिस जाते हैं तो आपको नए वाले फ्री में मिलेंगे जी। और बाकी तो मैंने है ना आपको बोला ही हुआ है, वह जैसे रोलर है ना वो पाइप का लगा होता है चाइना में, वो फ़र्क तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसकी कीमत सर हमने देखो बिना हम मोटर साथ में नहीं देते, ताकि अगर देखो मोटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो कस्टमर को हमें वापस भेजना पड़ता है, तो है ना उसमें टाइम लग जाता है, 1 हफ्ता आने में लग गया, 1 हफ्ता जाने में लग गया, तो 15 दिन के लिए उसका काम रुक जाता है। हम यही कस्टमर को बोलते हैं कि मोटर अपना खुद का लगा सकते हो, वो 1 HP का, 1.5 HP का लगा सकते हो, 2 HP का, जो भी है 1440 RPM वाला मोटर आम मोटर चलता है इसके ऊपर, क्योंकि जो दूसरे चाइना वाली मशीनें हैं उनमें 2800 RPM वाले मोटर चलते हैं और वो 3 HP लगाना पड़ता है। इसमें ये सुविधा है कि आप 1.5 HP का मोटर लगा सकते हो जी, और 1400 RPM वाला जो आम जूज में मोटरें आती हैं वो लगा सकते हो जी, बराबर। हाँ, और सर इसकी 1 साल की तो मैंने आपको बोला ही है दोनों चीज़ों की गारंटी है, और 14,500 की हम मशीन देते हैं जी आपके घर तक पहुंचा करके, और चक्की 5500 की है, ये दोनों सेट मिला के 20,000 का पड़ता है सर। ओके, देखो सर है ना आप जैसे देख रहे हो जो चाइना वाली मशीन आती है उसमें ये होता है पाइप, जो हमने बनाया है वो रोलर है, क्योंकि है ना पाइप ये खींचता नहीं है चारे को अंदर, इसी का ज़्यादा काम रहता है, इसने चारे को अंदर धकेलना होता है, ओके। तो ये जो ये रोलर है ये हमने बनाए हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, अच्छे, तो ये ऐसे ही होता है। और दूसरी बात है कि जो नीचे वाला ब्लेड है वो हम जैसे ये स्टील का लगाते हैं, ये मानो अभी इसके रोलर के ऊपर भी मारेंगे ना, ये देखो ये लोहे को भी काट देता है, ये तो जो घास होता है बहुत तो बहुत नरम होता है, ये देखिए इसके इसकी धार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, जैसे आपने के पुआल वगैरह है ना वो सख्त होता है तो उसके लिए ये ब्लेड सही रहते हैं, स्टील के ब्लेड है, वो चाइना वाली में ये चीज़ें नहीं आती। हाँ। और तीसरी जो सबसे मेन बात है वो है जिसकी गरारी, जो इसकी गरारी है वो स्टील की है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका क्या है, साइड में होना आप,
सही बात है, ये चीज आपकी कभी घिसेगी नहीं, ये कभी आपकी टूटेगी नहीं, जोर से पटका फिर भी नहीं टूटा, इसको आप हथौड़े से भी लगाओगे ना जी नहीं पट, नहीं तो ऐसा होता है कि ना मशीनों की जो गरारी होती है ये चाइना वालों की ट्रांसपोर्ट में ही टूट जाती है, कस्टमर को बाद में मिलता है पहले टूट जाता है, इसका ये है कि आपको कभी टूटेगी नहीं, जो बैरिंग है वो अच्छे हैं, कभी ग्रीस करने की जरूरत नहीं, सारी मशीन हमारे अंदर बनी हुई है, आपको वो भी फैक्ट्री विजिट भी करवा देते हैं। बिल्कुल बराबर सर। तो सर मशीनें तो हम लोग देख लिए और मेरा व्यूअर और सब्सक्राइबर भी देख लिया है, तो अभी जो उसका खरीदने का प्रोसेस है और कंपनी अगर कोई आना चाहेंगे किसान भाई तो कैसे आएंगे और कैसे खरीदेंगे वो आप थोड़ा बता दीजिए सर। सर इसका जो ख़रीदने का प्रोसेस है, देखो आपको हमने दिखा दी है मशीनें हमारे अंदर बन रही है, आपको फैक्ट्री भी विजिट करवा देते हैं, तो इसका ख़रीदने का प्रोसेस सर बड़ा आसान है, कस्टमर ने हमारे को अपना आधार कार्ड भेज देना है, जो उसका एड्रेस हो वो भेज देना है, और है ना कंपनी के खाते में खाली 2000 रुपये उसने बुकिंग के लिए लगवाना है, बाकी का जो पेमेंट है वो जब उसके घर में पहुंच जाएगी तभी उसके बाद में देना है, और अगर किसी ने विज़िट करना है तो आपके जो स्क्रीन पे जो आपने दियो हुआ एड्रेस इस पे आके हमारे से यहाँ पे कोई लाइव भी देख सकता है, आके बनता हुआ और यहाँ पे चला के भी देख सकता है। तो सर मशीनें तो हम लोग देख लिया, सारा कुछ जानकारी भी आप लोगों ने दे दिया, अब सवाल करते हैं कुछ यूनिक मशीन, नया मशीन मॉडल का मेरे को कुछ दिख रहा है, ये मशीन क्या कारीगर है और क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा इसका विशेषताएं बताइए सर। सर ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये कोई इम्पोर्टेड मशीनें नहीं है, ये हम अंदर बनाते हैं और ये भी सेम काम करती हैं, जैसे आपने देखा है कि दूसरी मशीन देखी है उसी तरह ये भी जानवरों के लिए दलिया बनाती है, आपका घास काटती है, साइलेज बनाना है आपने, गन्ने का साइलेज होता है या मक्के का, किसी भी तरह का इसमें आप चारा काट सकते हो, और इसकी सर है ना जो पिसाई की क्षमता है बहुत बहुत ज़्यादा है, ये एक घंटे में तकरीबन 200 किलो से 300 किलो जानवरों का चोकर बना देती है, 200-300 किलो ये चोकर बना देती है, और साथ में ना जैसे देख रहे हो एक एक पे ऊपर मोटर लगी हुई है, इंजन लगी हुई है, इस पे आप इंजन से भी चला सकते हो, अगर है ना आपको वहाँ पे बिजली की सुविधा है तो मोटर भी लगा सकते हो, इसमें भी हम है ना आपको 5 तरह की सेटिंग देते हैं, आप इससे भी है ना छोटा बड़ा कर सकते हो, और साथ में एक और है ना इसके आप इसको लकड़ी तक ये काट देती है, इसको आप एज ए वुड चिपर भी यूज़ कर सकते हो मशीन को। तो दोस्तों जो वीडियो में आप लोग डेमो देखा उसका कई गुना ज़्यादा अच्छा ये काम कर रहा है, और बहुत सारा मशीनें दिखाया चाप कटर के बारे में, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप अगर मंगाना चाहोगे तो उसमें कॉल करके मंगा सकते हो, और कोई अगर आना चाहते हैं फिर भी स्क्रीन पर नंबर में बात करके आप आ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ दोस्तों इसी तरीके से नया मशीन का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय जवान जय किसान।